गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये आपकी सेकेंड क्लास है, क्लास कंप्यूटर की है और इसमें आज हम सेकेंड चैप्टर कंप्यूटर का पढ़ेंगे कि हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स, यानी कि कंप्यूटर कैसे कार्य करता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि एक कंप्यूटर किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले आते हैं, हम इसको बारे में जानते हैं, देखते हैं कि क्या है कंप्यूटर। आपके चैप्टर का नाम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है। अब आते हैं स्वाद चैप्टर को हम स्टार्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार इसमें क्या चीज़ बताई गई है। स्वाति इज मेकिंग बनाना शेक, स्वाति केला शेक बना रही है। नंबर द स्टेप इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि जो बनाना शेक बनाने का स्टेप है वो कितने, उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है वो हमें जानना है कि किस प्रकार से बनाना शेक बनाया गया। बच्चों पिक्चर में आप देख रहे हैं जो गिलास में बनाना शेक बना हुआ है वो क्या है, वो बन के जो तैयार हुआ है वो है। तो इसमें हमको देखना है कि सबसे नंबर एक पे क्या होना चाहिए, जिसमें हमको बीच में जो हमें जग केला और शुगर दिख रहा है, बनाना मिल्क एंड शुगर दिख रहा है, उसको हमें नंबर वन पे लाना है। फिर हमारा प्रोसेस क्या होगा, हम केले के छिलके को उतार करके उसको मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे, शुगर डालेंगे और दूध डालेंगे, ये सेकेंड प्रोसेस है। इसको हम डाल करके डालेंगे, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस है। और थर्ड प्रोसेस है जो उससे बनाना, मिक्सी हम ग्राइंडर करते हैं, चलाते हैं, उससे जो उत्पाद होके निकलता है वो हमारा सेक होता है, सेक जो बन के तैयार होता है, जो गिलास में आपको दिखाई रहता है। तो इसके तीन चरण होते हैं। अब आगे देखते हैं कि मिल्क शेक बनाने की क्या विधि होगी। अब आते हैं थ्री स्टेप ऑफ फॉर मेकिंग बनाना शेक, यानी केले के शेक बनाने के तीन चरण हैं। सबसे नंबर एक पे क्या करती है स्वाति, स्वाति पुट्स बनाना मिल्क एंड शुगर इनटू अ ब्लेंडर, यानी स्वाति केला दूध और चीनी को ब्लेंडर में रखती है। फिर है बनाना मिल्क एंड शुगर आर द इनपुट, बनाना शुगर और जो चीनी है वो क्या है, इनपुट है, यानी इनपुट एक और है। अब सेकेंड नंबर पे हम देखेंगे द ब्लेंडर मिक्सर, यानी कि जो हम चीज़ें हैं जैसे शुगर और चीनी और मिल्क को हमने जार में डाला वो इनपुट हो गया, जो हमें दिखाई नहीं देता उसके अंदर हमने डाल दिया, ये हमारा इनपुट प्रोसेस हुआ। अब हम आगे देखते हैं कि क्या हमको बताया गया है। द ब्लेंडर मिक्सर इज द बनाना, यानी कि ब्लेंडर केले और चीनी को एक साथ मिलाता है, ब्लेंड करता है। फिर है मिल्क एंड शुगर टुगेदर, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, इसे हम बनाने का क्रम कहते हैं, ये क्या है, प्रसंस्करण कहा जाता है, यानी बनाने का क्रम कहते हैं कि किस प्रकार की बना मिक्सर जो है वो बना, केले का शेक बना। अब नंबर तीन पे देखते हैं कि क्या बताया गया, द यमी बनाना शेक दैट द गॉट इज द आउटपुट, यानी कि स्वादिष्ट केला शेक जो उसे मिला वो आउटपुट हुआ। जब हमने डाला, पहले हमको केला, हमने मिल्क देखा, शुगर देखा, केला देखा, फिर उसको हमने मिक्सर ग्राइंडर में डाला और जब उस मिक्सर ग्राइंडर चलाया वो मिक्स हो गया और वो बाद में जो उसको निकल के आया तो वो हमारा क्या हुआ, आउटपुट हुआ, जो हमें दिखाई दे रहा है केले में से गिलास में शेक कैसे रखा हुआ है। टूस मेकिंग बनाना शेक फॉलो थ्री स्टेप इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि क्या इस प्रकार बनाना शेक तीन चरणों का अनुसरण करता है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब आगे हम देखते हैं क्या है, द सेम थ्री स्टेप आर फॉलोड व्हेन यू टोस्ट अ ब्रेड, यही तीन स्टेप हमें ब्रेड को टोस्ट करने में फॉलो करने होंगे। हियर द ब्रेड इज इनपुट, अब आप देखेंगे कि ब्रेड क्या है, इनपुट है। जब हमने ब्रेड को उसमें मशीन में डाला तो वो क्या हुआ, इनपुट हो गया, और जब वो सिक करके बाहर निकलती है तो वो आउटपुट हो जाती है। व्हाट हैपनेस टू द ब्रेड इनसाइड द टोस्टर इज द प्रोसेस, यानी कि बनाना ये जो रोटी है
वो क्या है, टोस्टर के अंदर रोटी क्या होती है, जाती है, ये जो टोस्ट आउटपुट है तो कार्य किया जाता है, जो कार्य किया जाता है वो आउटपुट होता है। और तीन चरणों में इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कि इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट होता है। अब की कॉन्सेप्ट देखते हैं, इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ, इसका शॉर्ट नेम है आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होगा, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अब आप पिक्चर देख रहे हैं, इसमें कैसे मैंगो शेक बनाया गया है, ब्रेड को कैसे टोस्ट किया गया है और जूस को कैसे निकाला गया है। ये तीन प्रोसेस आपने देखा है कि ब्रेड में इनको सीक्वेंस में लगाना है, कि सबसे पहले हमें नंबर वन पे हमें शुगर और बनाना मैंगो और शुगर मिल्क को रखना है, फिर नंबर दो पे हमें आउटपुट रखना है कि हमने ग्राइंडर में ये तीनों चीज़ें डाल दी, ये इनपुट हो गया, और जब उसको हमने ग्राइंडर करके बाहर निकाला वो क्या हुआ, हमारा आउटपुट हुआ। तो ये हमने देखा। अब आते हैं, ऑल मशीन टेक इनपुट प्रोसेस इट एंड गिव आउटपुट। सभी मशीनें इनपुट लेती हैं, इस प्रोसेस इसे प्रोसेस करती हैं और आउटपुट देती हैं। दीज थ्री स्टेप फ्रॉम द इनपुट प्रोसेस आउटपुट आईपीओ साइकिल, ये तीन चरण इनपुट प्रोसेस आउटपुट बनाते हैं। अब आगे देखते हैं, आईपीओ साइकिल अ कंप्यूटर, यानी कि एक कंप्यूटर में आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्या होता है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। अ कंप्यूटर आल्सो फॉलो थ्री डिफरेंट स्टेप टू परफॉर्म अ टास्क, यानी कि एक कंप्यूटर एक कार्य करने के लिए तीन अलग अलग चरणों का पालन करता है। दीज स्टेप आर इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट, यानी कि तीन चरण वो कौन कौन से हैं, इनपुट प्रक्रिया और आउटपुट है। दिस इज नो नाउन नो एज द इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल, यानी कि इसके रूप में जाना जाता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट चक्र आईपीओ के। अब हम इनपुट के बारे में देखते हैं, इनपुट इज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन यू गिव टू अ कंप्यूटर। डाटा कैन बी मेम्बर्स नंबर्स वर्ड्स एंड पिक्चर्स। इंस्ट्रक्शंस आर द कमांड्स यूज टू डू अ टास्क। इनपुट वह डाटा है और निर्देश है जो आप कंप्यूटर को देते हैं। डेटा नंबर शब्द और चित्र हो सकते हैं, निर्देश हैं, कमांड हैं, एक कार्य करते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज व्हाट अ कंप्यूटर डज टू द डाटा, यानी कि प्रोसेस प्रक्रिया यह है जो कंप्यूटर डाटा के लिए करता है। अब हम आते हैं आउटपुट, आउटपुट के बारे में देखते हैं। द रिजल्ट यू गेट आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट, यानी प्रोसेसिंग के बाद मिलने वाला परिणाम क्या होता है, वो आउटपुट होता है। द आउटपुट दैट यू सी ऑन अ मोनिटर इज कॉल्ड अ सॉफ्ट कॉपी, यानी कि जो हमें आउटपुट बाहर दिखाई देता है, जिसे आप मॉनिटर पर देखते हैं, उसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। द आउटपुट व्हेन प्रिंटेड ऑन पेपर इज कॉल्ड अ हार्ड कॉपी, और जो आउटपुट कागज़ पर मुद्रित, यानी कागज़ पर जब छपकर वो बाहर आउटपुट होती है, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। गीता वांट्स टू एड 12 एंड 32 ऑन द कंप्यूटर, गीता जो है अपने कंप्यूटर पर 12 और 32 को जोड़ना चाहती है। अब वो क्या प्रोसेस करती है, इसके बारे में हम जिन देखेंगे। बच्चों, जब हम आपको कंप्यूटर लैब में जाएंगे, जब स्कूल खुलेगा, तब हम इस ये सब चीज़ें ठीक प्रकार से एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि किस तरह से हम, जैसे हमें सम करना है तो हम किस प्रकार करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करनी तो किस कैसे करेंगे, ये सब हम जब आपको प्रैक्टिकल कराएंगे तब बताएंगे। सी प्रेस दीज बटन्स एज इनपुट, 12 प्लस 32 इक्वल द नंबर्स, यानी कि वो इन बटनों को इनपुट के रूप में दबाती है, 12 एंड 32 नंबर्स। अब आता है आर डाटा एंड द प्लस सिंग प्लस एंड इक्वल सिंग इक्वल आर इंस्ट्रक्शन, यानी कि डाटा नंबर डाटा देता है और प्लस और बराबर का चिन्ह है। उदाहरण देखते हैं, द कंप्यूटर टास्क डाटा फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड एडिट देम, एडिशन इज द प्रोसेस, यानी कंप्यूटर डाटा लेता है,
निम्नानुसार है कि निर्देश और उन्हें जोड़ता है और जोड़ प्रक्रिया पूरी करता है। द कंप्यूटर गिव्स 44 एज आउटपुट, यानी कंप्यूटर जब उनको वो जोड़ के नंबर देता है, आउटपुट दिखता है, तो वो क्या दिखता है कि 44 आया है ना आंसर उसका। आपने पिक्चर में देख रहे हैं कि किस ये जो ऊपर की पैड दिया गया है, जब हम इनके बटनों को 32 और प्लस के साइन को जब दबाएंगे तो, और बाद में 32 और 12 को प्लस करेंगे और इक्वल करेंगे तो हमारा 44 आएगा। आप लोग आज मोबाइल पे इस तरह आप सॉल्व करते होंगे सम्स को, उसी तरह ठीक आपको कंप्यूटर में करना होता है। अब हम देखते हैं, वी यूज अ कीबोर्ड और माउस टू गिव इनपुट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर पर इनपुट देने के लिए हम कीबोर्ड या माउस का उपयोग करते हैं। द सीपीयू प्रोसेस द इनपुट, सीपीयू इनपुट को प्रोसेस करता है। फिर है द मोनिटर शो द आउटपुट, यानी कि मोनिटर आउटपुट दिखाता है। ये आप नीचे देख रहे हैं कीबोर्ड है और माउस है, ये हमारा क्या है इनपुट है, और सीपीयू जो है वो प्रोसेस करता है, और जो मानचित्र पर आप मॉनिटर पर मॉनिटरिंग देते हैं वो उत्पाद है, यानी कि जो फिगर बन के पिक्चर बन के ड्रॉ होके आई आउटपुट दिख रहा है वो आउटपुट है। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्यूटर का पूरा हो गया है, और हमें आशा है कि आपको जब इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में अवश्य आएगा, और जहाँ पे आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी डाउट होता है तो आप मैसेज के थ्रू या फ़ोन करके हमसे आप उसका डाउट क्लियर करवा सकते हैं। हम उसको एक्सप्लेन करके आपको बताएंगे कि किस प्रकार इसको आपको पढ़ना है, कैसे समझना है, और इसकी एक्सरसाइज आपको बुक में ही